नमस्कार, मैं हूं अंकिता सिंह। आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24। बदमाशों ने असला सटाकर सेल्समैन से 1,59,000 लूटा। मुकदमा दर्ज कर पुलिस जांच में जुटी। रौनापार थाना क्षेत्र की घटना। रौनापार थाना क्षेत्र के चलापुर रहमानिया के समीप बाइक सवार दो बदमाशों ने असला बल पर पिकअप वाहन के चालक व सहायक से 15,09,000 की लूट को अंजाम देने के बाद फरार हो गए। पिकअप वाहन चालक व सहायक एक गल्ला व्यवसायी का सामान पहुंचाने के बाद वापस बिलरियागंज लौट रहे थे। सूचना के बाद थाने की पुलिस घटना की जांच पड़ताल में जुटी है। बताया गया है कि चालक व सहायक गल्ला व्यापारी का माल लेकर रौनापार थाना क्षेत्र के चांदपट्टी बाजार में व्यापारी के पास गए थे। माल देने के बाद तकादा कर 15,09,000 लेकर लौट रहे थे। रास्ते में पहले से दो सवार बदमाश बाइक से पीछा कर रहे थे। जैसे ही चलापुर रहमानिया के पास पहुंचे ही बदमाशों ने ओवरटेक कर पिकअप को रुकवा दिया। चालक व सहायक जब तक कुछ समझ पाते बदमाशों ने तमंचा सटा दिया। चालक के पास से रुपए से भरा बैग लूट कर फरार हो गए। आजमगढ़ फूलपुर से असगर आजम की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? बसंत यादव। कहाँ के रहने वाले हैं? मंचुबा घर है। ये किसकी गाड़ी है? मनोज जायसवाल। कहाँ के रहने वाले हैं वो? बिलरिया। अच्छा, क्या करने आए थे चांदपट्टी? चांदपट्टी हम रिफाइंड तेल लेके आ रहे हैं। अच्छा, तो बेच करके जा रहे थे? बेच के जा रहे हैं। क्या हुआ है फिर? तो वो लोग हमको कट्टा सटाए, कट्टा थे, फिर भी हम गाड़ी काट के लेकर भगने लगे। फिर भी आगे से मतलब रोक दिए गाड़ी, फिर चक्का खड़ी कर दिए। तब दोनों आदमी लोग हम लोग को साइड से दोनों आदमी के पकड़ के मारने लगे। अच्छा, दो लोग थे। अच्छा, कौन सी गाड़ी थी? स्प्लेंडर प्लस थी। तो कितना पैसा छीने आपको? 1,59,000। 1,59,000। कुछ पता चला अब तक? नहीं। अच्छा, तो फिर पुलिस आई है मौके पे? हाँ, मौके पे आई। अच्छा, ठीक है। क्या चाहते हैं आप? क्षेत्र में चांदपट्टी में माल उतार कर वापिस जा रहे पिकअप ड्राइवर और जो सहायक है उससे चांदपट्टी बिलरियागंज मार्ग पर दो मोटरसाइकिल सवारों द्वारा 1,59,000 रुपए छीन लिए गए। इस संबंध में मुकदमा पंजीकृत किया गया है और मौके की सीसीटीवी फुटेज ली गई। सीसीटीवी फुटेज से दो बदमाशों के फोटो सीसीटीवी फुटेज में है, जिसमें से एक बदमाश की पहचान हो गई है और वो बदमाश रौनापार क्षेत्र का रहने वाला है। गिरफ्तारी के लिए दबिश भेजी गई है, बहुत जल्दी गिरफ्तार कर केस को वर्कआउट किया जाएगा और लूटे गए माल की बरामदगी की।